बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुकिंग विद जीटी में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। पराठा वीक में आज मैं लेके आई हूँ एक नया पराठा, जिसमें दो चार चीज़ें मिक्स करके डालूँगी। इसमें मैंने डालने हैं ऑनियन, आजकल जो सब्ज़ पत्तों वाले चले हुए ना वो, अंडे और पनीर। तो आइए बनाने की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं इसमें ये ऑनियन डालूँगी, बारीक काट के रखूँगी। और इसके साथ ये थोड़ा सा हरा धनिया है। आज जो पराठा बनने वाला है ना वो बहुत ही मज़े का और बहुत ही यूनिक किस्म का होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें डालूँगी अंडे। पहले भी मैं ये बात कहती आई हूँ और आज फिर हर तकरीबन हर वीडियो में ये बात दोहराती हूँ कि कोई भी काम करना हो तो उसके लिए डरना नहीं है। जब डरते हैं तो फिर काम आधा ख़राब हो जाता है। अब इसमें मैं डालूँगी एक टीस्पून के बराबर नमक, कुटी हुई काली मिर्च एक टीस्पून, के बाद ये चीज़ है जो मैंने कद्दूकस करके लिख रख लिया था, मोज़रेला चीज़, मैं ये भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको मैं स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह मिला लूँगी। इसको एक साइड पे रखूँगी, हाथ की मदद से थोड़ा सा ऑयल लगा के हाथ के ऊपर ग्रीस करूँगी और ये एक पेड़ा बना लूँगी। आटा मैंने पहले से गूंद के रख लिया था, सादा आटा गूंदना, इसमें कुछ भी मिक्स नहीं करना। कलवंजी सिर्फ डालनी है, नमक भी नहीं डालना। ये देखें कितना प्यारा पेड़ा बना है। आटा अच्छा हो गूंदा हुआ हो तो पेड़ा अच्छा बनता है, जब पेड़ा अच्छा बनता है तो रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनती है। इसके ऊपर मैं मैदा डस्ट करते हुए इसको अच्छी तरह बेलूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको मैंने बहुत पतला सा बेलना है, बहुत पतली सी रोटी बनानी है मैंने इसकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोटी मैंने पतली सी बिल्कुल बहुत बारीक सी बेली है। अब मैं जो ये बैटर बनाया हुआ ये इसके ऊपर डालूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तवा मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है। अब इसके ऊपर ऑयल डालूंगी। जो मैंने पार्सल बनाया ना इसको मैं आराम से हल्के हाथों से इसके ऊपर रख दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तरफ से अच्छी तरह पक चुका है, मैं इसको उलट दूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत आराम से उलटना है, नहीं तो ये कहीं से भी पंक्चर हो जाता है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पराठा दोनों तरफ से पक के तैयार हो चुका है। अब मैं इसको निकालूंगी एक प्लेट में।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस पराठे को इस तरह काट लेंगे और देखिए कितना मज़े का बना है ये पराठा। ये देखें, ये जो हमने इसमें मोज़रेला चीज़ डाली थी ना, वो निकल रही है इसमें से। इसके ऊपर हम रखेंगे दो अदद लेमन और ये इसके साथ हरी मिर्ची के साथ खाएं। इंशाल्लाह आपको ये वाला पराठा भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। खाएं, मज़े उड़ाएं और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। और एक नए पराठे की वीडियो अभी थोड़ी देर के बाद दोबारा देख के अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं एक नए पराठे के साथ, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।